हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं नेशन स्टडी। दोस्तों, आज हम करेंगे जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस जिनकी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एसएससी सीजीएल के आने वाले हर शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन का अपडेट उसी दिन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने ड्यूल जीएसटी मॉडल लागू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी। ड्यूल जीएसटी का मतलब है कि जो टैक्स लगेगा वो स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पर लगेगा, और ड्यूल जीएसटी को लागू करने वाली इंडिया से पहले दो ही कंट्रीज थी, कनाडा और ब्राज़ील, लेकिन अब इंडिया भी ड्यूल जीएसटी में गिनी जानी लगी है, और इंडिया ने कनेडियन जीएसटी मॉडल लागू किया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन से देश ने सबसे पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट 1954 में किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तक कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 160 देशों ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश का टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया का। इंडिया के चार टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, और अब तक 28 से ज़्यादा किसी देश ने टैक्स नहीं लगाया जीएसटी के अंदर। दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना 27% टैक्स लैब के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने टाइप का टैक्स भारत के जीएसटी में आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 तरह का टैक्स जीएसटी इंडिया में आता है, एसजीएसटी, CGST और IGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। IGST में आई का मतलब क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोर्ट्स पे लगता है, जैसे कोई चीज़ दूसरी स्टेट से मंगवानी हो तो उस पे लगता है। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा तो पहले भी होता था, लेकिन पहले अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। अब एक बार टैक्स देना पड़ेगा जितनी मर्जी स्टेट्स पार कर लो। पहले हर एक स्टेट में एंटर होने के लिए चुंगी देनी पड़ती थी, अब उसको IGST में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया में GST का बिल सबसे पहले कब रखा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 2000 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने जीएसटी पर पहली बार सदन में डिस्कशन की, उस समय असीम दास गुप्ता, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जीएसटी कमेटी का हेड बनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीएसटी कौन से अमेंडमेंट बिल में आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 122 अमेंडमेंट बिल 2014 में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीएसटी कौन से एक्ट के तहत पास हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 101 एक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित मिश्रा। अमित मिश्रा वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और अब ये जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन भी हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन हैं, तो फिर आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पहली स्टेट है जिसने जीएसटी बिल रेटिफाई किया था, मतलब पुष्टि करने किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल रेटिफाई किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से सबसे पहले कौन सी स्टेट ने जीएसटी बिल पास किया था? रेटिफाई और पास करने में अंतर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना ने अप्रैल 17, 2017 को जीएसटी बिल पास किया था।